खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और यूएफटी न्यूज 24 को सब्सक्राइब कीजिए। लखीमपुर खीरी में डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। इस बार मामला महिला अस्पताल से जुड़ा है, जहां प्रसव पीड़ित महिला के डॉक्टरों ने डिलीवरी तो कर दी, लेकिन लापरवाही के चलते नवजात शिशु की मौत हो गई। महिला का पति नवजात शिशु के शव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां अपर जिलाधिकारी के सामने उसने पूरा मामला बताया। महिला के पति गुलाम नबी निवासी लालपुर बैरियर ने जिलाधिकारी को सौंपी शिकायत पत्र में कहा है कि अस्पताल के महिला डॉक्टरों में उसकी पत्नी का पेट लापरवाही से कई बार दबाया, जिससे पैदा होने वाले नवजात शिशु की मौत हो गई। जिला महिला अस्पताल में महिला डॉक्टरों की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की कार्यशैली को उजागर कर चुके। फिलहाल अधिकारी अब मामले में जांच की बात कह रहे हैं। उसके बाद ग्यारह बारह बजे तक करता रहे, लगाते दर्द होती रही। तब हमने सोचा हमने डॉक्टर साहब ने कहा कोई भीड़ बढ़ाने वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत मत बताना, तो मैंने दिक्कत कोई नहीं है, सुबह से काम का पैसा दे देने के लिए हम भरोसे पर रहे उनके। तो उन्होंने सुबह साहिल का आएगा नहीं चलना, साहिल कॉपी कराने गया। अभी एक नवजात शिशु को लेकर एक व्यक्ति आया था, वो आरोप लगा रहा था, क्या मामला है? एक काशीधाम कॉलोनी का व्यक्ति था, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उसने कल 8:30 बजे अपनी पत्नी को एडमिट कराया जिला चिकित्सालय में। उसका ये कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी बच्चे की मृत्यु हो गई। अब क्या सच्चाई है ये तो जाँच का विषय है, अब जब जांच होगी तभी पता चलेगा। वो व्यक्ति बहुत दुखी था, बता रहा था कि 14 साल बाद उसका बच्चा ये हुआ था। तब क्या सच्चाई है इसकी जांच का ही विषय है।